Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really really well. So आज का वीडियो है एक कंपेरिजन वीडियो. आज मैं ये दो मॉइस्चराइजर्स को कंपेयर करने वाली हूँ. एक है मेरे पास डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड मॉइस्चराइजर. अगर कभी आप पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हो, दे मोस्टली रिकमेंड दिस क्रीम. दिस इज कोजीविट का कोजिक एसिड वाला जेल और क्रीम, वट एवर यू से. इसको हम कंपेयर करने वाले हैं विद दिस कोजिक एसिड क्रीम विच इज़ फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड बाय द डर्मैट्स. दिस इज डॉक्टर शेद का केसर एंड कोजिक पिगमेंटेशन करेक्शन क्रीम. सो ये रिकमेंड करी थी मुझे वन ऑफ माई फ्रेंड, यू नो, जिनको उनके डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये रिकमेंड करा था. तो आई थॉट लेट्स ट्राई दिस वन आउट एज वेल एंड देन सी कि यू नो कैसी ये निकलती है. तो मैंने इसको अमेजोन से लिया है. ये आई थिंक ईजिली आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी. तो ये दोनों मॉइस्चराइजर मेरे पास है और इन दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो इस तरह के आउटर पैकेजिंग में आते हैं. कोजीविट वाला व्हाइट एंड ब्लू की पैकेजिंग में है. इंग्रेडिएंट लिस्ट एवरीथिंग मेंशन है, हाउ टू यूज वो सब इसमें डायरेक्शन ऑफ यूज लिखा हुआ है. ऑन द अदर हैंड डॉक्टर शेथ वाला भी आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मैंशन होती है. हाउ टू लेयर भी है, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू यूज़ एवरी थिंग इज मैंशनड एंड इट्स नॉट प्रेगनेंसी सेफ, वो भी इस पर मैंशन किया हुआ है. ये है इनकी अंदर की पैकेजिंग. दिस कोजीविट कम्स इन दिस ट्यूब पैकेजिंग, प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग. ऑन द अदर हैंड दिस डॉक्टर शेद वन कम्स इन अ एयरलेस पम्प पैकेजिंग. कोजीविट के केस में आपको मिलता है 15 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इन 344 रुपीज, वेयर एज डॉक्टर शेथ वन इज अ 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड रिटेल फॉर 499 रुपीज. सो डबल क्वांटिटी है और प्राइस भी इससे कम ही है अगर आप कंपैरिजन करो तो. सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स. सो दोनों के अंदर ही जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड कोजिक एसिड होता है 2% वो डाला हुआ है. नाउ इस कोजीविट के अंदर आपको उसके अलावा ऑक्टिनोजेट मिल जाएगा जो एक SPF फिल्टर है. देन आपको आर्बुटिन मिल जाएगा 1.5%, मलबरी एक्सट्रैक्ट है 1.0% एंड वाइटामिन ई है. उसके अलावा इसमें कुछ टेक्सचर एनहांसर्स डले हुए हैं, कुछ ग्लाइकॉल्स डले हुए हैं, फैटी अल्कोहल्स डले हुए हैं, ह्यूमेक्टेंट्स हैं एंड काफ़ी सारे इसमें पैराबिन्स डले हुए हैं और लास्ट में इसमें परफ्यूम डला हुआ है जो मेंशन किया हुआ है, रोज पेटल वाला परफ्यूम. ऑन द अदर हैंड दिस डॉक्टर शेथ वन इज़ अ फ्रेग्रेंस फ्री फार्मूला. इसमें 2% कोजिक एसिड के अलावा 1% अब इसमें आपको नायासिनामाइड मिलता है एंड 0.5% आपको इसमें मिलता है ग्लाइकोलिक एसिड. एंड इसके अंदर भी आपको अल्फा आर्बुटिन मिलता है जो नायासिनामाइड के बाद डला हुआ है. सो आई कैन अज्यूम 1% होगा या 0.5% तो होगा ही होगा फॉर श्योर. अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर भी कुछ मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कुछ इसमें फैटी अल्कोहल्स डले हुए हैं एंड ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं. एंड इसके अंदर डला हुआ है केसर एक्सट्रैक्ट. वी ऑल नो दैट जो सैफरन है इट्स अ प्रेशियस हर्ब. ये हमारा बहुत ही पोटेंट एक इंग्रेडिएंट है, एशियन टाइम से ये चलता आ रहा है और वी ऑल नो केसर के क्या बेनिफिट्स हैं. स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है, आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है, ग्लो लाने में हेल्प करता है. सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इन्ग्रीडियंट. तो इंग्रीडियंट लिस्ट इस वाले की बेटर है एज कम्पेयर टू दिस कोजीविट बिकॉज इसके अंदर कोई भी पैराबिन्स भी नहीं है एंड ऑन द टॉप इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट. नाउ इफ यू डोंट माइंड फ्रेग्रेंस, अगर आप फ्रेग्रेंसेज लगाते हो यू कैन गो फॉर दिस वन. इफ यू डोंट माइंड पैराबिन्स यू कैन गो फॉर दिस वन. But if you're a person who avoid parabens and avoid perfume and fragrance in your skincare, then this is the product for you. Now, बात करते हैं इनके textures के बारे में. तो सबसे पहले इस कोजीविट के बारे में बात करते हैं. इसका texture creamy texture है, light creamy texture है, but काफ़ी time ये लगाता है absorb होने में and once it absorbed, completely absorb हो जाता है, ये मुझे ना टैकी फील होता है, लाइक एकदम ऐसे हैवी हैवी, जैसे मैंने कुछ अपने फेस पे रख दिया है, ये वैसा फील होता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2-3 बार से ज़्यादा इसको नहीं अप्लाई कर पाई बिकॉज इसके अंदर जो परफ्यूम है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई. तो मैंने सिर्फ 2-3 बार ही इसको ट्राई किया है जस्ट टू गेट द फील ऑफ दिस. Whereas Dr. Sheth One has a very very light gel texture जो कि instantly sink in हो जाता है and once it completely absorb ना तो आपको कुछ भी feel नहीं होता है face पे. It's like कि आपकी skin ने ना इसको पूरा ही absorb कर लिया, there is nothing sitting on the skin. ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऊपर रखा हुआ है आपने face पे. तो ये completely sink in हो जाता है और कोई heaviness और ऐसे sticky और tacky वाली feelings के साथ नहीं आती है.
सो फॉर मी इस तरह के जो जेल टेक्सचर्स है ना, आई ऑलवेज प्रेफर देम. ना ओवरऑल दोनों की बात करूँ तो प्राइस वाइज भी दिस वन इज बेटर, पैकेजिंग वाइज दिस वन इज बेटर. फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबेन फ्री है, टेक्सचर बिल्कुल लाइट जेल टेक्सचर है जो इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है. तो क्लियरली दिस वन इज द विनर. आई लव दिस वन बिकॉज यू गाइज नो कि मैंने इस पर एक आपको यूट्यूब शॉर्ट भी दिया था अराउंड 10-15 डेज पहले. तो ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई कैन सी डिफरेंस इन माई पिगमेंटेशन. लाइक इट्स रियली रियली हेल्पफुल. प्लस पॉइंट इसका ये है कि यू नो जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइक ईजिली बिल्डेबल है. लाइक अगर आप इसको लगा रहे हो तो उसके बाद अगर कुछ और आप ऊपर से लगाना चाहते हो तो भी इजिली लेयर अप कर सकते हो बिकॉज इट्स दैट लाइट. इट्स नॉट एट ऑल दैट लाइक यू नो एकदम टैकी वाला मॉइस्चराइजर की यू नो उसके बाद अब आप ऊपर से कुछ भी नहीं लगाओगे और लगा भी रहे हो तो दैट सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ योर स्किन. तो वैसा नहीं है, इट्स कम्प्लीटली गेट अब्जॉर्ब्ड एंड फ्रेग्रेंस फ्री है. देयर इज नो एसेंशियल ऑयल, नो पैराबेन. सो या फ्रॉम माई साइड आई विल रिकमेंड दिस वन. इट्स सच अ ब्यूटिफुल कोजिक एसिड क्रीम. इफ यू आर फेसिंग डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और कहीं पर भी आपको एक्ने के मार्क्स रह गए हैं, try this one out. I'm sure this is gonna help you a lot. But don't seek magic in you know one or two days. You have to be consistent. At least 3-4 weeks ka time dena tabhi aapko difference nazar aane lagega aapki pigmentation ya dark spots pe. But yes, from my side I will highly recommend this one. And if you are planning to purchase this one, we have a discount code with this brand which is I think Bhavna20. It's not an affiliate code, it's just a discount code for you guys so that you can avail 20% extra off on Dr. Shetka official website. So yes, do check this one out, try kare khud se and then mujhe apne feedbacks niche comment section mein chhod dijiyega. Aur agar kisi aur ne ye try kiya hai to aap apne feedback mein niche comment section mein chhod sakte ho so that jo aur log dekh rahe hain unki bhi help ho sake. Jo description box mein maine link diye hue hain wo check zarur kar lijiyega. So I hope you found this video little bit helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.